आपको मजे की एक चीज बताऊं, रोहित ने सेंचुरी मार दी आईपीएल के अंदर, जायसवाल ने भी सेंचुरी मार दी आईपीएल के अंदर, विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी आईपीएल के अंदर, सूर्य कुमार यादव ने भी सेंचुरी मार दी आईपीएल के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इन चार के नाम क्यों लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों ने सेंचुरी मारी हुई है। लेकिन मजे की चीज बताऊं क्या है, मजे की चीज ये है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो है सुनील नारायण, जॉस बटलर, इसी के साथ साथ दूसरे गोरे लड़के, उन्होंने सेंचुरीज मारी है। लेकिन जो इंडिया के अंदर आते हैं, इंडियंस आते हैं, उनके अंदर जो चार नाम आ रहे हैं वो चार नाम है जो कि इंडिया के टॉप फोर है, समझे। दोबारा बताता हूँ, रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये इंडिया के टॉप फोर के बल्लेबाज है और इन चारों के नाम एक एक सेंचुरी आ चुकी हुई है। और इन चारों की सेंचुरी के अंदर अगर मैं किसी एक की सेंचुरी को हाई रेट करूंगा तो वो होगा सूर्य कुमार यादव। आपको याद होगा लास्ट मैच जो था मुंबई का, मैंने कहा था सूर्य ने स्लो खेला, 50 किया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ये अगले मैच के अंदर इसकी फॉर्म लग गई है, ये अगले मैच के अंदर बड़ा तेज खेलेगा। और उसने तेज खेला, अपनी जिसको कहते हैं जिस चीज के लिए वो फेमस है उसने वो चीज करके दिखाई। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी स्कोर की है, दिल खुश करके रख दिया, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मुंबई ट्रबल के अंदर था जब मुंबई के 3 आउट हो गए थे आते साथ ही, मुंबई ट्रबल के अंदर था, तिलक वर्मा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, स्लो खेला लेकिन एक एंड को संभाले रखा, दूसरे एंड से जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की है, स्काई ने अपना जलवा दिखाया। अब भी ये मैं समझता हूं स्काई का 40% है, यकीन करें ये स्काई का 40% है, ये इससे ज्यादा खतरनाक आपको नजर आएगा अगले मैचेस के अंदर, क्योंकि हमने देखा ना लास्ट सीजन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था, फिर एंड के ऊपर अनप्लेएबल जिसको कहते हैं ना ये बॉलर्स के लिए, तो आप समझे कि ऐसा वर्ड मैं यूज करना चाह रहा हूँ, बॉलर्स के लिए तो ये मौत का जैसा कहता है ना समा बन जाता है, इतना खतरनाक किस्म का ये बल्लेबाज बन जाता होता है एंड के ऊपर आके। तो सूर्य का ये स्टार्ट हो रहा है, 50 आया, सेंचुरी आया, अब इससे ज्यादा खतरनाक किस्म की डोमिनेटिंग बल्लेबाजी करेगा अगले मैच के अंदर। और इसमें कोई शक नहीं है, दोबारा कहूंगा रोहित, कोहली, जायसवाल, इन तीनों से ज्यादा अच्छी सेंचुरी मारी है सूर्य कुमार यादव ने। विराट कोहली की सेंचुरी जब हुई उसको क्रिटिसाइज किया गया, स्लो खेला। रोहित शर्मा की जब सेंचुरी हुई तो टीम मैच हार गई। जायसवाल की जो सेंचुरी से उसने अपनी टीम को भी मैच जितवाया, सेंचुरी भी की, अच्छी सेंचुरी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी सेंचुरी की सूर्य कुमार यादव ने। इसी के साथ साथ जो इंडिया के जो प्लेयर्स है ये तो टॉप फोर हो गए ना, बता दिए। नंबर 5 पे कौन सा बल्लेबाज होगा, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का अगर आप आईपीएल देखेंगे बहुत जबरदस्त चल रहा है, पता चल रहा है कि वो लड़का फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि वो लड़का परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, तो ये दिख रहा है। इसी के साथ साथ एंड के ऊपर चले जाएंगे तो इनके बॉलर शुरू हो जाएंगे, ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी फॉर्म के अंदर नहीं है, ना हार्दिक पांड्या फॉर्म के अंदर है, ना आप जैसे कहते हैं ना जडेजा फॉर्म के अंदर है। क्यों? क्योंकि जडेजा ने एक मैच में रन किए, विकेट लिए, लेकिन वो फॉर्म नहीं होती, फॉर्म वो होती है जो आप बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दिखाओ, हार्दिक पांड्या को भी बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी है। अलबत्ता आईपीएल की अगर बात करें तो मुंबई तो वैसे मेरी नजर में बाहर ही है, अगर कोई भी दो टीमें 14 में पहुंच गई तो मुंबई ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। मुंबई दुआ कर रहा है कि हर टीम 12 पे ही रहे और मुंबई अपने सारे मैचेस अच्छे रन रेट से जीत के क्वालिफाई करे, तो ऐसा बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काम नजर आ रहा है। आरसीबी के लिए गुड न्यूज ये है कि सनराइजर हैदराबाद अपना मैच आ रही है, अब आरसीबी दुआ करे कि लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली ये चारों ही मैचेस हारते रहे, तो फिर जिसको कहते हैं ना आरसीबी के लिए इजी हो जाएगा अपने सारे मैचेस जीत के क्वालिफाई करना। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आरसीबी अब यहां से कैसे अपनी जिसको कहते हैं ना बेस पिक करता है और किस तरह किस पोजीशन तक जाता है आरसीबी इस आईपीएल के अंदर। इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि मुझे बड़ी जिसको कहते हैं ना कंफ्यूजन हो रही है, मुझे लगता है कि वो जो स्टेडियम के अंदर जर्सी आई वो VFX था, मुझे तो दिख भी रहा है, साफ पता भी चल रहा है VFX था, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स के अंदर कह रहे हैं नहीं भाई वो रियल है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने दोबारा से उसको चेक किया, डिटेल चेक की, मुझे VFX लग रहा है। अब लोग कहते हैं भाई वो रियल है, अब वो रियल है तो भाई बताएं कैसे रियल है, लेकिन मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि वो हेलीकॉप्टर पे जो शर्ट थी वो VFX था, वो रियल नहीं था। तो आपने जरूर कमेंट के अंदर मुझे एक रीजन बताना है कि किस बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि वो रियल है, कहां पे आपने देखा है, आपने जरूर बताना है। अलबत्ता जर्सी की बात करें तो मैंने वैसे तो रिव्यू कर दिया, लेकिन मैंने बाद में लोगों के जो कमेंट्स पढ़े हैं ना, लोग जैसा कहते हैं ना अपनी जर्सी से बड़ा डिसअपॉइंट है, इंडिया वालों को इंडिया की जर्सी पसंद नहीं आ रही, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान की जर्सी पसंद नहीं आ रही। लेकिन एक चीज याद रखना, जर्सी डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर परफॉर्मेंस इस जर्सी के अंदर किसी एक ने भी सेंचुरी मारी तो जर्सी आपको ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाएगी। तो जर्सी तभी अच्छी लगेगी जब आपकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। 2021 की पाकिस्तान की जर्सी बड़ी अजीबोगरीब सी थी, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मैं वो जर्सी भी अच्छी लग रही थी। तो ये चीजें होती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो दुआ करें कि आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखाए।